खाली थाली मेयोनी चटनी मेयोनी सॉस पापा थाई के सोले ये मेरे लिए थैंक यू पापा थाई के सोले क्या जुड़े हुए नहीं मिलते इसमें तो जुड़े हुए खाना है जुड़े हुए खा ले जुड़े हुए थाई के सोले है क्या इसमें बस तो अभी मैं तो ये मैं ये मेरी नहीं है मम्मी की है तो ये देखिए एक्शन शेयर करने वाला तो ये देखिए ये है एक तो गाइस इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जूम यानी कि सो गाइस वेलकम आर माय चैनल। अभी हो रहे सुबह के 11 o'clock या 10:30 बज रहे हैं, मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं देखा है और मैं पूजा कर रही हूँ नहा धो के। और निशु को कल से ब्लॉगिंग का शौक चढ़ गया है, तो कल भी वो खुद से जो है ब्लॉगिंग कर रहा था, तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो क्लिप शूट कर लिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं उसको सिखा रही थी। मैंने उसको कुछ भी नहीं सिखाया, वो उसको खुद से जो है बड़ा यूट्यूबर बनने का शौक चढ़ा है। कुछ बच्चों को जो है डॉक्टर बनने का शौक़ होता है, कुछ को वकील, तो मेरे बेटे को बिग यूट्यूबर बनने का शौक़ चढ़ा है। तो मैं नहा धो के अपने रूम में आ गई हूँ। और गाइस मैं बता दूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने हाफ निकर क्यों पहना है, तो मेरे रूम जो है पूरा जो है हीट हो चुका है, मेरा रूम हीटर एक्चुअली फिक्स हो चुका है, तो कमरे में जो है मेरे बिल्कुल भी ठंड नहीं होती है। मैंने अपने रूम में और बेडरूम में दोनों में रूम हीटर फिक्स करवाया हुआ है, तो जिससे कि ठंड बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और माय चैनल स्टाइलिश विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शालिनी। तो अभी जो है मैं अपने हेयर वॉश करके आई हूँ, एक्चुअली अभी गीले भी हैं तो मैं सुखा रही हूँ। रूम हीटर पहले ड्रायर कर लिया था, अभी रूम हीटर से सूख गया है, थोड़ा थोड़ा सा गीले हैं। और मैं सोच रही हूँ कि अपने जो है बालों का थोड़ा सा स्मूथनिंग करा कर आऊँ, तो देखती हूँ। अभी पहले मुझे जाना है डॉक्टर के पास और अभी मेरे हस्बैंड आ रहे हैं और अभी मैं इसीलिए नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अभी तक कोई वीडियो शूट नहीं किया है, तो अभी तक मैंने अपने वीडियो की स्टार्टिंग नहीं किया है। और कल जो है शाम को कुछ ऐसा हुआ, मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। मेरे निशू ने कल मुझे सडनली ऐसी बात बोली, मैं तो सोच में पड़ गई। बच्चे बोलते हैं मम्मी मुझे वकील बनना है, कोई बोलता है मुझे जज बनना है, कोई बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। कल मेरे बेटे ने सडनली मुझे बोला मम्मी मुझे ब्लॉगर बनना है, बड़ा आपसे भी ज़्यादा बड़ा ब्लॉगर बनना है। और उसको यूट्यूबर बनने का पता नहीं कहाँ से शौक चढ़ गया और एकदम से जिद करने लगा कि मुझे वीडियो बनानी है और मुझे आपके ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाना है। मतलब मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। मैंने कहा यार बच्चे का मन है तो बच्चे का दिल नहीं दुखा सकती मैं, तो मेरा कैमरा स्टैंड लेके गया और अपना फ़ोन लेकर गया। एक्चुअली उसका फ़ोन अलग है, वो अलग फ़ोन यूज़ करता है, डाटा यूज़ करता है। उसमें मैंने एक अपना चैनल पहले से क्रिएट करके रखा था, उसमें मोस्टली 100 सब्सक्राइबर हैं मेरे ऑलरेडी। मैं उसमें जो है वीडियो नहीं डालती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे का दिल भी नहीं तोड़ सकती हूँ। तो अगर वो वीडियो बनाना चाहता है, तो अभी छुट्टियाँ चल रही है, अभी स्कूल में जो है वो नहीं स्कूल जा रहा है, तो अभी उसकी जो इच्छा है वो कर सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चों की इच्छा पे वो नहीं लगानी चाहिए। सो गाइज वेलकम आर माई चैनल स्टाइल विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शालिनी। तो ये मेरे बाल ना थोड़े से बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं और मैं आपको बता दूं मेरे बाल अभी रिसेंटली 10 days या 15 days से लगातार कंटिन्यू मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे, जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले पतले से बाल हो गए हैं मेरे। मेरे बाल थोड़े से कर्ली हैं लेकिन पतले हो गए हैं। और तो मैंने सोचा कि अपने बालों का सो गाइस जो है मैंने फ्लिपकार्ट से ये वाला लीड मंगाया है, ये वाला। और एक्चुअली मेरे जो फ़ोन का साउंड है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन आता है, जैसे दूर अगर कैमरा है ना तो पूरी आवाज़ को कैप्चर नहीं करता, तो इसको क्या करना है गले में डालना है और आप जो भी बातें जो भी वॉइस बोलेंगे तो इसमें रिकॉर्ड हो जाती है, मतलब फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएगी और यहाँ पे आप एक लीड लगा के ईजी सुन सकते हैं इस तरीके से। तो काफ़ी अच्छा है, मैंने इसको पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये वाला मंगा के दे दिया है, तो मैंने कहा चलो इट्स ओके अच्छा है।
तो जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे तब तक मैं ये इस वीडियो को एडिट करके शायद पोस्ट भी कर दूँ। और कल रात को मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाल के रखी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो जैसा कि आप सबको पता है, चाहे मेरी वीडियो नॉर्मल हो, चाहे ब्लॉग वीडियो हो, चाहे कुछ किसी से भी रिलेट करता हो मेरी वीडियो, लेकिन मैं आप लोगों के साथ पूरे दिन में एक बार हैक्स, DIY और काफ़ी हेल्पफुल जो है वीडियो ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं अपने आइडियाज़ आप लोगों तक पहुँचाती हूँ ना, तो मुझे सच बताओ बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आप ये वाला अपना ईयरिंग्स पहना है और जिसे मैंने बनवाया था एक साल पहले, यहाँ के लिए ही बनवाया था। चाहे आप यहाँ वेयर करिए, चाहे आप यहाँ वेयर करिए, वेयर नहीं वियर करिए चाहे आप यहाँ वियर करिए, चाहे आप कहीं पे भी वियर करिए, ये सारे जितने भी हैं ना सारे मेरे गोल्ड के हैं। और अभी मैंने नोज रिंग चेंज किया है, ये भी मेरा गोल्ड का है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मैंने जो है अपना फिंगर रिंग बनाया था पुराने जो है रिंग को, आपको यहाँ से नज़र आएगा, ये जो है ना एक बुकरम की पट्टी है जिस पे मैंने बुकरम की कटिंग करके, बुकरम की जो पट्टी आती है ना जो कपड़ों में यूज़ होता है, सलवार में यूज़ होता है, वो वाली बुकरम की पट्टी है यहाँ पे। और नीचे मेरा एक पुराना फिंगर रिंग है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये वाला भी अब ख़राब हो रहा है। तो चलिए मैं आपको उखाड़ के भी दिखा देती हूँ कि इसके अंदर कैसा फिंगर रिंग है। तो इस तरीके से मैंने उखाड़ा तो ये चिपक गया है। तो ये देख सकते हैं, मैंने इतना नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें मैंने 5 रुपए वाला फेविक्विक चिपकाया था, तो कपड़ा इसमें चिपक गया है। तो ऐसा कुछ था मेरा। अगर आप लोगों के पास भी पुराने फिंगर रिंग है तो उसको नया जो है नए क्रिएटिविटी की तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसा था, कुछ पर्पल कलर का शेड है, स्टोन वाला है ये पर्पल कलर का। तो यहाँ पे मैंने बुकरम की पट्टी ली थी और इस तरीके से ये वाला स्टोन भी मैंने जो है पहले से ही मेरे पास था ये, और ये वाला मेरे पास बहुत सारे हैं। तो इसी से मैं रिलेट जो है मैं आपको उखाड़ के दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बनाया था। ये फिंगर रिंग बहुत अच्छी लग रही थी और सच बताओ बहुत लोग पूछते भी थे ये कहाँ से लिया आपने, कहाँ से लिया। देखिए बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, आप चाहे तो अपने काली उंगली के लिए भी बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। स्टोन वाली इस तरीके की ईयरिंग्स आप लोगों ने देखी होगी। तो मुझे इस तरीके का जो है रिंग ना घर पे DIY करने में बहुत अच्छा लगता है कि अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो है ना मैं अगर फिंगर रिंग वगैरह बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने एक लटकन घर पे ही बनाया है, ये सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और ये सब मेरे पास रहता ही रहता है। जिन लोगों को पता होगा कि मैं ज्वेलरी डिज़ाइन करती रहती हूँ, देखिए ये मैंने मंगलसूत्र के लिए रखा हुआ है तो ये इतना सा बचा है। और ये वाला भी मैंने एक पुराने मोती के साथ और क्ले के साथ और ब्लैक स्टोन के साथ ये वाला छोटा सा मोती क्रिएट करके बनाया है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ ना मैं मंगलसूत्र भी बनाने वाली हूँ। तो इसका क्या करना है मैं बताती हूँ। तो ये लटकन मैंने किसी ब्लाउज़ के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए नहीं बनाया है, तो ये एक मेरे पास जूरा क्लिप है, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से अटैच करने वाली हूँ ताकि ये हमारे बालों में खूबसूरत लगे इस तरीके से। तो आप अगर आप लटकन नहीं बनाना चाहते, आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, तो 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ के आपके लोकल मार्केट में इस तरीके का लटकन मिल ही जाएगा। और आप चाहे तो अगर पुराने स्टोन पुराने मोतियों के साथ क्रिएट करके बनाना चाहते हैं तो एज यू विश, अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव खुद से सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो मैं इसको अभी जोड़ के भी दिखाऊंगी। तो आज मैं डॉक्टर के पास से जब आ जाऊंगी तो आप लोगों के साथ पहुंचू जरूर शेयर करूंगी। अभी मैं देखती हूँ कि मैं अभी शेयर कर पाऊंगी तो गुड है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी बहुत जल्दी आ जाएंगे तो मुझे सबसे पहले जो है किसी ज़रूरी काम से जाना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट कर लिया है। अगर आप लोग जूरा क्लिप पसंद करते हैं तो इस तरीके से आप लोग जूरा क्लिप घर पे बना सकते हैं। ये लटकन है और इस पूरे लटकन को भी मैं गाइस बता दूँ मैंने टोटली घर पर बनाया है। तो अगर आपकी पुरानी रिंग पुराने ईयरिंग्स जिसे आप बार बार पहन पहन के बोर हो गए ना गाइस,
तो थोड़ा सा ना मेहनत कर करके उन चीज़ों को ना रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ का मतलब आप उन चीज़ों को दोबारा अलग अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको चीज़ें दिखाना चाहूँगी यहाँ पे, और मतलब आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे चीज़ें क्रिएट करके बना सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं मिलती है। तो एक मैंने ये झुमकी बनाई थी और नीचे मैंने पोम पोम लगाया है, और ये कागज का है यानी कि कूलिंग पेपर का झुमकी है। बहुत खूबसूरत लगता है, सूट साड़ी मतलब बहुत बहुत प्यारा लगता है। तो इस तरीके की इयररिंग्स मैंने बहुत सारे बना बना के रखे हुए थे पहले से ही, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अगर आप कुछ लेटेस्ट जो है गले के लिए पेंडेंट बनाना चाहते हैं, इस तरीके का चैन जो है ना मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ का मिल जाता है। और अगर आपके पास इस तरीके के जो पुराने ड्रेसेस से चैन निकलते हैं ना, या फिर आप अपने पर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से मैंने इसको कई बार लॉकेट की तरह भी यूज़ किया हुआ है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ग्रेटफुल आइडिया है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें जो मैंने स्टोन यूज़ किया था ना यहाँ पे, ये मोती वाला, तो देखिए मैंने एक और बना के रखा हुआ है इस तरीके से। तो इसे भी मैं ये सारी चीज़ें क्रिएट कर करके रखी रहती हूँ, ताकि कब मुझे काम लग जाए मुझे पता नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने मेरी कुछ पुरानी ज्वेलरी है, तो जैसे कि ये यहाँ पे नीचे वाला है, तो इसको रिमूव कर दूंगी, थोड़ा सा स्टोन चेंज कर दूंगी। ये जो पूरा डब्बा है ना, ये मेरे पुराने इयररिंग्स ज्वेलरी जो लाइक टूट फूट गए हैं, जिनको मैं बिल्कुल भी वेयर नहीं करती हूँ, तो इस वाले बॉक्स में मैंने भर के रखा हुआ है, ताकि कभी भी इनको मैं रीयूज़ करना चाहूँ तो जो है ईजी कर सकती हूँ। एक मैंने ये वाला इयररिंग्स बनाया है, और नीचे मैंने घुंघरू लगाया है, पम पम वाली इयररिंग्स बनाई है, बहुत खूबसूरत लगती है। जब टैनी ने इस वाले इयररिंग्स को स्टार्ट किया था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो इस तरीके से मैंने तो छोटे छोटे मिरर भी लगाए, जो मिरर मैंने अपने दुपट्टे में आप लोगों को यूज़ करके दिखाया था ना, वही वाला मिरर है ये। और एक कूलिंग पेपर, ये भी कूलिंग पेपर है, इसका भी जो है ना मैं फिंगर रिंग बनाऊंगी या फिर कुछ भी बनाऊंगी। अभी तो मैंने इतना ही डिज़ाइन करके रखा है, और पार्टी वेयर फिंगर रिंग बन सकता है इजी। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको सर्कल में, मैं पीछे से दिखाती हूँ आपको, देखिए ये टोटली कूलिंग पेपर है। और कूलिंग पेपर आपको पता है 20 रुपीज़ का जाता है, और इसकी सुई जो है वो 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ में आ जाता है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ सबसे इजी प्रोसेसर, अगर आप चाहे तो एक से बढ़कर एक कूलिंग पेपर से इयररिंग्स बना सकते हैं। कूलिंग पेपर के जो झुमकी होती है ना, बहुत खूबसूरत लगती है, एजुवेशन वगैरह लगते हैं, तो आप लोग कितने सारे पैसे दे दे के खरीदते हैं। तो ये वाला मेरे को ज़रूर बताना, ये कूलिंग पेपर है, और कूलिंग पेपर से मैंने बहुत सारे इयररिंग्स ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। तो ये देखिए, तो मैं ना पास से भी दिखाती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने कूलिंग पेपर से बनाया है, और बहुत खूबसूरत लगेगा अगर आप साड़ी पहन रहे हो, सूट पहन रहे हो, जीन्स पहन रहे हो। और एक ये मैंने प्लास्टिक पे जो है छोटे छोटे फ्लावर से एक्रेलिक पेंट से बनाया है, और बीच में स्टोन लगा दिए थे इस तरीके से, वाइट मुझे कभी चाहिए था तो मैंने बना दिया। और एक मैं ये वाला बना रही हूँ, और इसके मैंने दो साइज एक साथ स्टार्ट कर दिए थे, तो अभी मुझे इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके दो साइज है गाइस, एक छोटा एक बड़ा। तो अगर मेरा बड़ा पहनने का, अभी यहाँ पे नीचे अनकम्प्लीट है, जैसे यहाँ पे कुछ लटक रहा है ना, तो इसमें भी ऐसे ही लटक कर आएगा, तो ये बहुत खूबसूरत जाएगा। और सच पूछिए तो मुझे अपने डिज़ाइन की हुए इयररिंग्स ज़्यादा पसंद आते हैं, तो ये देख सकते हैं। लेकिन गाइस ये देख सकते हैं, ये मैंने पुराने किसी चीज़ से निकाल के बनाया था, ये मेरे एक ड्रेस में लग कर आया था, माला की तरह बनकर आया था, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। काफ़ी टाइम तक मैंने उसको भी यूज़ किया, फिर जब उससे मेरा मन भर गया, तो इसका मैंने इयररिंग्स क्रिएट कर लिया। ये सारी चीज़ें आपको, बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा, तो ऑनलाइन मिल जाता है। आप अगर सर्च करोगे तो ये पूरे बॉक्स आपको 399 499 के पूरे पूरे आपको बॉक्स मिल जाएंगे, जिसमें आपके बॉल्स चैन, स्टोन चैन, स्टोन सब कुछ मिल जाएगा। और आपके लोकल मार्केट में ग्राफ्ट की शॉप पे भी इजी मिल जाता है,
और ये है स्पार्कल शीट जिसे मैंने फ्लावर कटिंग करके बनाया। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत क्रिएटिव है। और मैं बता दूँ, कल मैंने बिग बॉस जो देखा है उसमें मुझे जैस्मिन के इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इस तरीके की बहुत सारी मोतियाँ निकाल के रखा है। तो मैं लेयर बाय लेयर यहाँ तक की इयररिंग्स बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कल जैस्मिन का इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आया। गैज, मैं कुछ भी देखती हूँ तो उसको जो है उस तरीके का इयररिंग्स अगर मेरा पहनने का मन कर गया तो मैं घर पे डिज़ाइन कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार परचेज करती हूँ। तो ये सोच सकते हो कि 10 रुपये के स्पार्कल शीट आता है और जो कटिंग आपको करनी है करने के बाद आपको इसको लाइक प्रेस पे चिपका देना है और किसी चीज़ से लकड़ी से आपको इसको इस तरीके से होल्ड करके रखना है प्रेस के ऊपर। और जब आप ये छोड़ोगे तो इस तरीके से ये जो भी शेप इसकी कटिंग होगी वो शेप का ये ले लेता है। और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और काफ़ी क्यूट लगता है मुझे, सच में बताऊँ। और ये एक मेरी झुमकी है पर्पल कलर की और इसको मैंने अपने एक साड़ी के अकॉर्डिंग लिया था। ये बहुत हैवी था ऊपर का, तो ऊपर का मैंने निकाल के रख दिया क्योंकि वो लटकन से ना मेरे कान जो है ना बहुत ज़्यादा लटक रहे थे। तो मैं इसमें ना स्टर्ड वाले इयररिंग्स फंसा के पहनती हूँ इस तरीके से, और ये काफ़ी हैवी है तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं दिखा देती हूँ आपको कूलिंग पेपर की कुछ डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ। एक मैंने ये बनाया था ऑरेंज कलर का, इस तरीके से दो सर्कल आपस में चिपका के और इस तरीके से कूलिंग पेपर। DIY बहुत इजी है और काफ़ी लाइट वेट होता है, काफ़ी ट्रेंडी इयररिंग्स होते हैं। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ पे मैंने स्टोन की एक लेयर दे दिया है तो दूर से देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे ना सच्ची बताऊँ इस तरीके की क्रिएटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक मेरी ये पुरानी झुमकी थी जिसे मैंने नेल पेंट से पहले पेंट किया, उसके बाद मैंने गोल्डन के जो डस्ट पाउडर आते हैं उससे मैंने यहाँ पे एक गोल्डन का शेड दे दिया है। और इसको भी मैंने बहुत टाइम तक पहना है और ये काफ़ी लाइट वेट है। और ये जो इयररिंग्स मैंने लिए थे ना ये उसी का मतलब बड़ा साइज़ है, और अभी मैंने इसको निकाल के रखे छोटे छोटे, तो इस तरीके से मुझे इसकी ना चूड़ियाँ बनानी है तो इसके मैंने बहुत सारे पीसेस निकाल के रखे हुए हैं। ये मैं पहन के आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है वो। तो अगर आपका पुराना इयररिंग्स पहन पहन के मन भर गया ना तो ये बता दूँ आपको, मेरा पुराना सिल्वर वाला ही था, ये वाला इयररिंग्स था। लेकिन अभी देखिए मुझे कलर इसका चेंज करना था, मैंने देन इसको नेल पेंट से कलर किया और जो है गोल्डन डस्ट से इसको डस्ट कर दिया थोड़ा सा, तो ये दो शेड में बन के रेडी हो गया है। तो मुझे प्लीज़ बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। गाइस, मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे आइडिया, मेरे हैक जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और एक मैंने ये निकाल के रखा हुआ है तो इसका भी मैं कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी। इस तरीके की जो बटन होती है इससे भी आप फिंगरिंग बना सकते हैं। इसका मैंने लास्ट टाइम नोज़ रिंग बनाया था और लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया था। तो ये एक बटन है जो कि ऑलरेडी स्टोन वाले बटन होते हैं ना, वो वाले बटन है। और एक ये मैंने जो पतला कार्डबोर्ड होता है उसका मैंने इस तरीके से बना के रखा हुआ है, मुझे इसका फिंगर रिंग बनाना है मल्टी कलर का, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो मुझे अभी हो सकता है अभी 6 से 7 तारीख के बीच में अगर। और एक मैंने ये वाला भी बनाया था, खुद से घर पे ही बनाया था। तो ये पूरा बॉक्स ना मेरी पुरानी ज्वेलरियों से जो है ना भरा पड़ा हुआ है, तो इनके साथ मैं जो कुछ भी करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि सच्ची में ये बात बहुत ज़्यादा सच है, मुझे ये बात बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि आपने हमेशा देखा होगा जो लोग सच में मेहनत करते हैं उनको जो है ना उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। और जो कुछ लोग अपने लक से आगे बढ़ जाते हैं, बेशक सिर्फ लक की बात होती है। और मैं बता दूं कि पूरे YouTube पे ऐसे यूट्यूबर्स हैं बेचारे नए, और उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई बड़ी यूट्यूबर हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग। तो मैंने उनकी वीडियो में देखा है वो कुछ नई चीज़ें ढूंढ के लाती हैं बेचारी, नया क्रिएटिव करती हैं,
वो ऑनलाइन चीज़ें सर्च करके खरीद के लेकर आती हैं, लोग उनकी कॉपी करके सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में उनकी अपने खुद के जितने भी जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके ऊपर इतने बवाल मचते हैं, मैं बताऊं कि सच में कुछ रियलिटी नहीं होती है। आज वो कुछ कहेंगे, कल वो कुछ और कहते हैं, मतलब किस बात को हकीकत माना जाए। कभी वो कहते कि हमारे ऐसे हो गया, फिर कल को वो ऐसे कहते कि ऐसे नहीं तो ऐसे सही। तो मतलब आप किस चीज़ को रियलिटी मानोगे? इनके जो है ब्लॉग वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसमें कि ये मेहनत करते हुए आपको नज़र आएंगे। और सच्ची बताओ, एक क्रिएशन करके चैनल नाम है, और वो गाइस ट्रस्ट करना बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव गर्ल है। वो इतने अच्छे अच्छी चीज़ें शेयर करती है, लेकिन उसके व्यूज़ 50-100 से ऊपर नहीं जाता है। तो मैं बेसिकली यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करते हो जो आप लोगों को मतलब भाव तक नहीं देती हैं और आप लोगों को कुछ नथिंग के बराबर समझती हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ से मतलब होता है कि इनके पास कैसे भी करके व्यूज़ आ जाए, और चाहे तो ये किसी का भी नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने जो है फैमिली मेम्बर में भी किसी को भी नहीं बख्शते हैं। अगले दिन ही कुछ और होता है, आज कुछ और होता है, आज ये पहाड़ों में होंगी तो कल ये कहीं और होती हैं। तो मतलब आप किस चीज़ को सच्चाई मानोगे? तो गाइस मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप यार ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करो। अभी पूजा है, मैंने पूजा की काफ़ी सारी वीडियो देखी, मतलब लाइक गजब की वीडियो है यार। उस पूजा की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, बोलने का जो सेंस है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, किसी को वो नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि ये व्यूज़ के लिए मतलब कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। ये इनका अपना खुद का कोई कंटेंट ही नहीं होता, ये जो दूसरे कर रहे होते हैं, जो दूसरे मर रहे होते हैं ना, इनको भी जाके वहीं मरना होता है। तो ये मैं निकाल देती हूँ, मेरे को पेन हो रहा है। सो गाइज, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और थोड़ा सा भी मेरे आइडिया मेरे हैक्स आप लोगों को बेनिफिट लगते हैं तो लाइक करना यार। और प्लीज़ गाइज, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे वीडियो देखो, मुझे सपोर्ट करो। इनफैक्ट यार, आप जितने भी नए मतलब लोग हैं YouTube पे जिनको सच में आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको जाके सपोर्ट करो यार। मतलब उनकी जो आपके सपोर्ट करने से उनकी खुशियाँ दुगनी होगी, उस खुशियों के जरिए आपको कितनी सारी दुआएं मिलेगी। तो गाइस ऐसे लोगों को सपोर्ट करो जिनको सच में आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है यार। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे फेक रिव्यू फेक चीज़ें देखने के लिए आप लोग मरे जाते हो। तो गाइस एक बार जो नए लोग हैं ना, उन पे भी आप लोग नज़र डाल के देखो कि उन लोगों को आप लोगों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सोच सकते हो, यहाँ पे लोग कुछ लोग अपनी खुशी से आते हैं, कुछ लोग अपनी मजबूरी से आते हैं, कुछ लोग कैसे भी। मैं जो हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे व्यूज़ आए ना आए, मेरे को सच गाइस मेरे को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है। और इनफैक्ट तो मेरा कितने महीने से जो है पेमेंट भी होल्ड है, मैंने तो पेमेंट तक रिसीव नहीं किया है। तो मैं बेसिकली यही बताना चाहती हूँ कि नए लोगों को सपोर्ट करो। आप लोग सोचते होंगे मेरे पास जो है YouTube की कमाई से सब कुछ है, मेरे पास YouTube की कमाई से कुछ भी नहीं है। जो मेरे हस्बैंड कमाते हैं, लाइक मैं पर्सनली जो कमाती हूँ, यानी कि बहुत सारे वेबसाइट से मैं पैसे कमाती हूँ, तो वही सारा चीज़ है। मैं बिनोमो वगैरह ऐप से भी पैसे कमाती हूँ, मैं ट्रेडिंग खेलती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ क्योंकि मैं हर दिन नया चीज़ सर्च करती हूँ। तो मुझसे जो है बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारी कंपनियाँ जुड़ी हुई है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गाइस क्या पता सच में किसी को आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ ज़रूरत है तो नज़र उठा के देखने का कि कौन फेयर है कौन अनफेयर है। तो यार जो लोग आपको फेयर लगते हैं उनको जाके थोड़ा तो सपोर्ट करो, ताकि उन लोगों को और उनका हौसला बढ़ेगा इससे, और कुछ नहीं होगा, आप लोगों को दुआएं मिलेगी, उनका जाके हौसला बढ़ाओ। गाइस सच कह रही हूँ, उनका जाके हौसला बढ़ाओ।
मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ। मैंने सच में बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जिनकी वीडियो में आपको सच में, अगर उनका ब्लॉग वीडियो भी है ना तो उनके ब्लॉग वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत दिखेगी। ऐसा नहीं है कि सुबह यहाँ तो शाम वहाँ तो यहाँ, रात यहाँ, मतलब किसी चीज़ का सिर पैर ही नहीं होता। तो फॉरगेट इट, अगर आप लोग चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं। और जो बहुत रियली बहुत मेहनत करते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो ये मैं इस तरीके के ना पट्टे लेकर आई हूँ। तो ये पट्टा क्या है मैं दिखाती हूँ। मैंने एक नया फिंगर रिंग सर्च करके लेकर आई हूँ। ये फिंगर रिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था पर्सनली। इस फिंगर रिंग के अंदर जो है ना कुछ नेम आते हैं, जैसे कि आप इसमें एन लगा सकते हो, आप अपने नाम का एस लगा सकते हो। तो इसके नाम के साथ ही मैंने ये वाला रिंग लगाया है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि ये नाम के साथ कैसा दिखता है। तो बस जहाँ पे भी आपका साइज है वहाँ पे इसको टक कर लीजिए, जैसे बिल्कुल घड़ी के जैसा। ये फिंगर रिंग नया आया हमारे लोकल मार्केट में, तो ये मैं लेकर आई हूँ। तो मैं सर्च करती रहती हूँ क्या कुछ नया है। तो सो गाइस, बस चलो अभी मैं ज़्यादा अगर वीडियो बातें करूँगी तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं जा रही हूँ मेडिसिन लेने, ठीक है, और कुछ काम से जा रही हूँ। बाय बाय, लव यू, लाइक ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो। बाय 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 तन्नू, बाय बाय तन्नू।